जय श्री कृष्णा, जय महेश। आज मैं बनाने जा रही हूँ राजस्थान की फेमस डिश, जो सभी के घर में बनती है, उसको बोलते हैं हम दाल बाटी। और मैं उसका कुछ नया वर्जन बना रही हूँ। हम बनाएंगे मसाला बाटी, जिसे मैं 3 स्टेप्स में बनाऊंगी, स्टफिंग, दाल और बाटी का आटा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमें स्टफिंग बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। उसके लिए मैंने लिया है 1 कप ऑफ बॉइल्ड स्वीट कॉर्न, 1 शिमला मिर्ची जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, 1 ऑनियन उसे भी बारीक चॉप कर लिया, 2 से 3 हरी मिर्ची पीस ली, और 1/2 कप जितना पनीर है जिसे ग्रेट कर लिया, और थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर एंड नमक फॉर टेस्ट। अब आते हैं हम सेकंड स्टेप की तरफ, बाटी के आटे के लिए, डोव के लिए। इसलिए हमने लिया है गेहूँ का मोटा आटा। अगर आटा मोटा ना हो तो आप ले सकते हो नॉर्मल आटा, उसमें डाल सकते हो थोड़ी सी सूजी। अब उसमें डालूंगी मैं अजवाइन, 1 पिंच ऑफ सोडा जिससे बाटी सॉफ्ट बनेगी, थोड़ा सा मोण, और इसे हम लगा लेंगे गुनगुने पानी से। थर्ड स्टेप है दाल। दाल के लिए मैंने ली है मूंग की दाल और चने की दाल, उन दोनों को मैंने भिगो के रख दिया है थोड़ी देर के लिए, 15 से 20 मिनट ये भीग जाएगी तो दाल अच्छी और बनेगी और जल्दी बनेगी। अब मैं बनाने जा रही हूँ उसका स्टफिंग। उसके लिए मैं सारी चीज़ों को मिक्स कर दूँगी, पनीर, स्वीट कॉर्न, ऑनियन, कैप्सिकम एंड हरी मिर्ची का पेस्ट। इसमें डालूंगी थोड़ा सा सॉल्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, थोड़े से चिली फ्लेक्स, ये ऑप्शनल है, पिंच ऑफ काली मिर्ची। गोल्डन फ्राई होने तक तलेंगे एंड साइड में मेरी दाल भी बन रही है। स्टार्ट। ये मैंने इसको डव भर के, इसमें स्टफिंग भर के इसको एकदम सील पैक कर दिया। अब ये मेरे जाएगा एकदम, ये गर्म चाहिए, घी मेरा एकदम गर्म हो गया है। अभी इसमें मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी, जिसे मैं धीमे आंच पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर रही हूँ घी में। स्टार्ट। तो मेरी बाटी रेडी है, देखो कितना अच्छा इसे गोल्डन ब्राउन फ्राई किया विद स्टफिंग दाल। मैंने इसको सर्व किया विद दाल, चटनी और ये ऑनियन एंड नींबू।